नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। स्पेशल लाइव टेलीकास्ट क्यों आखिर इसको कहा गया है, थोड़ी सी देर में आपको मालूम चल जाएगा कि आज हम बेसिकली किस पर बात करने वाले हैं। सुबह 11 बजे लाइव में मैंने आई के आपको बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं एक एसेसिबिलिटी वॉरियर के ऊपर। आखिर उनको एसेसिबिलिटी वॉरियर क्यों कहा गया है, उसके पीछे क्या खास कारण है, उनकी क्या कुछ तैयारी थी और क्यों वो उस मकाम तक पहुँचे, धीरे से तफसील से इसमें विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं तारुफ करा देता हूँ कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं वो कौन कौन हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगा मिस तारिका रॉय, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी DAPWDA दिव्यांगजन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं डॉक्टर भारती कौशिक, जो कि हेड हैं DIT NCERT में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और मेरे बगल में आप देख रहे हैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर पायल सेरी जी। पायल, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस शो को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हम यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं और किसी को वॉरियर कहने का मतलब है कि वास्तव में वहाँ कुछ ऐसा ज़रूर किया गया होगा कि उसको सजदा करने को मन करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रिया द एसेसिबिलिटी वॉरियर। ये है टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं। आप सभी ने एक शब्द सुना होगा, सुगम्यता। सुगम्यता कहने को तो बहुत ही आसान सा एक शब्द है जिसको हम रूबरू जिंदगी में कई बार होते हुए देखते हैं। क्या वास्तव में उसके सही मायने हम सबको मालूम है, चलिए आइए पता करते हैं। तो सबसे पहले मिस तारिका रॉय, आपको ही मैं कोट करूंगा और हम सब जानना चाहेंगे, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, कि सुगम्यता एसेसिबिलिटी आखिर क्या है। उसको जानने के बावजूद भी हम कहीं कहीं अनजान रहते हैं, तो आज उसको हम बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि सुगम्यता, यूँ तो हम उसको सब समझते हैं लेकिन शायद उसकी गहराई और उसके जो छोटे छोटे मानक और उसके जो कण हैं वो कहीं हमसे कहीं ओझल हो जाते हैं और वो मिस हो जाते हैं। सुगमता अगर सरल वे में कहूँ, क्योंकि बच्चे इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, तो ऐसा होगा कि अगर हमें कहीं पर पहुँचना है या हमें उसे सुगमता से किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है, जैसे कि हमारा रिमोट टीवी का, अगर हमें उसे हर इंसान उसको यूज़ कर सके या हमें किसी भी यातायात के को यूज़ करना है, उन सभी को करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हमारे पास वो सुविधा सुगम्य रूप से अवेलेबल होनी चाहिए। तो इन्हीं के जो विभिन्न पहलू हैं सुगम्यता को, कि उन्हीं को मैं दिखाने के लिए मैं एक PPT के ज़रिए, अगर आप उसको उचित समझें तो हम अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे कि सुगम्यता को समझना कितना आसान है अगर उसकी थोड़ी सी समझ बढ़ जाए। बिल्कुल, आई थिंक हम सभी देखना चाहेंगे। देखें दर्शक अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि सुगम्यता के विषय को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान या एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया था। और ये अगर हम अगली स्लाइड पर देखें तो इस कैंपेन के तहत में जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये लॉन्च किया गया था वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे 3 दिसंबर 2015 को, इस अभियान के तहत एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी जो है उसको सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी कहा जाता है। यानी कि कोई भी दिव्यांग अपनी दिव्यांगता के वजह से वो इनएक्सेसिबल या किसी चीज़ को सुगम्य रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। हम सबको मिलकर जैसे कि धर्मेंद्र जी ने बताया, हम सबको मिलकर सुगम्यता वॉरियर या सुगम्यता सेनानी या सुगम्यता योद्धा बनना चाहिए, ताकि हम एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दें जिसके अंदर किसी को किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो या किसी भी प्रकार की उनको उस समय कोई असुविधा हो, उसको अचीव करने के लिए हम सुगम्य भारत के रूप में उनको उनके लिए सुचारू रूप से उसको एक्सेसिबल बना सके। तो इसी तरह से एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम एक बाधा मुक्त वातावरण, एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ताकि सभी लोग अब इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और डिग्निफाइड वे से अपनी ज़िंदगी जी सके। इसीलिए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया गया और वो एक टूल है वर्ल्ड में जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके तथ्यों को मान्यता देने के लिए और उसके एलिमेंट्स को एक्चुलाइज करने के लिए। ये तीन मेन पिलर्स पे आधारित है। पहली चीज़ कि अगर हमें कहीं पर पहुंचना है तो हमारी वो बिल्डिंग सुगम्य होनी चाहिए।
तो जितने भी वातावरण पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनको एक्सेसिबल करना इसका फर्स्ट पिलर है। सेकंड पिलर है ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो रेलवेज हो, रोडवेज हो, एयरवेज हो, शिप्स हो, कुछ भी हो, आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो उनको भी एक्सेसिबल होना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण इसका कंपोनेंट और पिलर है कि आपके पास ICT इकोसिस्टम, क्योंकि एक चीज़ है वहाँ तक पहुँचना, लेकिन दूसरी चीज़ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको रेडिली अवेलेबल हो। वेबसाइट और ICT का ज़माना है, तो जब तक आपकी वेबसाइट्स और उसके अंदर सारे उसके डॉक्यूमेंट्स या उसके अंदर साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, जैसे हमारे साथ यहाँ पर पायल आज मौजूद हैं, ये जब तक सभी चीज़ एक्सेसिबल नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं एक कड़ी हमारी वीक रह जाएगी। तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन इसी तरह का एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है कि बिल्ट एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और ICT इकोसिस्टम पूरी तरह से सुगम्य हो। जो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर कि किस प्रकार ये जो सुगम्यता के लिए ये जो पहल की गई सरकार द्वारा, ये हमारी ड्रॉ आउट होती है हमारे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में। ये बहुत ही एक राइट्स बेस्ड लैंडमार्क एक्ट है, जिसके अंदर में उनके सेक्शंस 40 से 46 में इसको कार्यान्वित किया गया है कि किस तरह हमारे को सुगम्यता इंश्योर करनी है हर पहलू में। और इनफैक्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है कि सेक्शन 45 और 46 में इसके अंदर टाइमलाइंस लेड डाउन है, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी कितने भी समय तक करते रहेंगे, आपको सारी बिल्डिंगों को एक्सेसिबल करने के लिए 5 साल का समय दिया गया है, जो कि अगले वर्ष में कंप्लीट होता है। और दूसरा सेक्शन 16 और 17 जिसके तहत में आज यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं, वो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई बनी है 2020 की, उसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की बात की गई है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हो, किसी भी प्रकार की दिव्यांगता उन्हें हो, चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट हो या हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, वो सब एक साथ इंक्लूसिव एनवायरमेंट में स्कूल में पढ़ सकें। अगर हम अगली चौथी स्लाइड पे जाते हैं, चौथी स्लाइड में मैं ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो भी हमारा वातावरण, ये इस स्लाइड को अगर आप देखें, बीच में एक्सेसिबिलिटी लिखी है, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट बिल्ड किया है उसमें बताया गया है कि चाहे वो पब्लिक बिल्डिंग हो, ओपन टू, जैसे कि मॉल होते हैं, आप मार्केट जाते हैं, या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, या पूरी स्लाइड में एक ही जगह पे रेड किया गया है, अगर आप उस पर गौर से देखें तो उसमें होगा एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसके वजह से आज हम यहाँ पर बैठे। बिल्डिंग जो पब्लिक के लिए खुली हुई है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, या वो स्टेडियम हो, या वो ICT इकोसिस्टम हो, या ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का सेक्टर हो, जैसे TV व्यूइंग और रेडियो हियरिंग, या एग्रीकल्चर वाटर बॉडीज हो, कोई भी, और कंज्यूमर प्रोडक्ट जो बीच में मैंने गोला डाला, इन सभी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि हमें सुगम्यता को एक अपने जीवन का अहम पहलू बनाना है। सुगम्यता हर क्षेत्र में होगी, और इसका इम्पोर्टेंस इससे होता है कि अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें, वहाँ पर हमने पब्लिक बिल्डिंग किस चीज़ में सुगम्यता होनी चाहिए, कि सभी पब्लिक बिल्डिंग को सुगम्य बनाना एक्ट के तहत में अनिवार्य है। इट इज़ मैंडेटेड अंडर द एक्ट, देर इज़ नो गेटिंग अवे फ्रॉम इट। हमें हर बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल रहता है लोगों का, उसको हमें सुगम्य बनाना है, चाहे वो एक बिल्डिंग यूज़ फॉर एजुकेशनल एंड वोकेशनल पर्पसेज हो, यानी कि जैसे आपके स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग है, या आपके कोई कार्य क्षेत्र हो, या कोई आपका कमर्शियल एक्टिविटी, मार्केट प्लेस हो, मॉल हो, पब्लिक यूटिलिटी की बिल्डिंग हो, रिलीजन्स पे टेम्पल हो, गुरुद्वारा हो, कल्चरल सेंटर हो, ऑडिटोरियम हो, लेजर और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए कोई आपके क्रीड़ा स्थल हो, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हो, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, पुलिस स्टेशंस हो, जुडिशरीज हो, कोर्ट्स हो, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, सभी बिल्डिंगें जो पब्लिक बिल्डिंग है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या वो प्राइवेट हो, उन सभी को सुगम्य होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसी को देखते हुए, क्योंकि ये एक्ट के अंदर मैंडेटेड है, हमने भारत सरकार जो है कोशिश कर रही है कि सभी क्षेत्र, चाहे वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो, या रेलवेज़ हो, या एयरपोर्ट्स हो, या स्पोर्ट्स स्टेडिया हो, या टूरिज्म एंड कल्चर, आप कहीं पर घूमने जाते हैं और आप वहाँ पर पहुँच नहीं पाते क्योंकि वो जगह सुगम्य नहीं होती, या ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन का हो, या रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ हो,
लॉ एंड जस्टिस एजुकेशन सभी क्षेत्रों में एवरी सेक्टर हैज़ टू बी मेड एक्सेसिबल एंड हैज़ टू हैव सुगमता. इसीलिए भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में सेक्टर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स निकाल रही है जिसके तहत में हम सुगमता को बढ़ाएंगे. यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जिस तरह से आप सब स्वच्छ भारत के बारे में जानते हैं उसी तरह से हमें ज़रूरत है कि हम सुगम्य भारत के बारे में भी बात करें और उस ओर हम लोग अपना कदम उठाएं. द सेवन्थ स्लाइड प्लीज. सेवन्थ स्लाइड के अंदर में ये दिखाया गया है कि जो स्कूल एजुकेशन सेक्टर है वो ऑलरेडी इस दिशा में अपना कदम उठा रहा है और जो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं उनके अंदर 8 लाख से भी ज़्यादा स्कूल ऑलरेडी वहाँ पर रैंप और हैंड रेल्स प्रोवाइड कर दी गई हैं. इससे आगे जाने की ज़रूरत है जो मैं अभी आपको बताऊँगी कि सुगमता के होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव सुगमता के क्या पहलू होते हैं, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और हमें इसी कदम इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. कोर्स कंटेंट में आपने देखा होगा आपकी सिलेबस के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर दिव्यांगता और सुगमता के बारे में कंटेंट ऐड कर दिया गया है. पेडागॉजी की किस तरह से उसको पढ़ाना है उसके बारे में भी ऐड कर दिया गया है. किस तरह से आपकी किताबों को दृष्टिबाधित लोगों दोज हु आर विजुअली इम्पेयर्ड और दोज हु हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट हाउ द कंटेंट एंड द करिकुलम एंड द पेडागॉजी इज़ ऑल गेटिंग चेंज एंड मॉडिफाइड सो दैट everybody can study together in an inclusive environment with the help of special educators. The endeavors in the next slide, which is basically just an indication to show that there are 3 main components in under which you can make the education sector accessible. One is the physical environment, which includes not only the classrooms, the corridors which have to be accessible, the washrooms, a very important component, the drinking water points have to be accessible, the staircases, the ramps which have to be there in the appropriate manner, your library, I mean, can you access every book that you want to? Aap usme pahunch sakte hain jo kitab aap lena chahte hain. क्या वहाँ पे जो आपके स्टेज है या स्टेज के पीछे ग्रीन रूम है क्या वो इस प्रकार से सुगम्य है कि हर प्रकार का बच्चा उसको जो स्कूल में है वो उसको एक्सेस कर पाएगा? क्या एक व्हीलचेयर वाला बच्चा उस स्टेज के ऊपर जा सकता है? आपके असेंबली हॉल जहाँ पर आपकी होती है, अगर एक व्हीलचेयर पे बच्चा है और उसको एक प्राइज़ लेने जाना है जैसे आप जाते हैं, क्या वो जा पाएगा? उसके लिए आपने रैंप प्रोवाइड किया है क्या? आप सोचा है प्लेग्राउंड के अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं कि सब लोग उसको यूज़ कर पाएँ? आपकी लेबॉरेटरीज़ के अंदर स्पेस है व्हीलचेयर के जाने की? या हॉस्टल फैसिलिटी आपकी सुगम्य है? और साइनेजेस अवेलेबल हैं कि नहीं कि किसको पढ़ के आप राइट जगह पे पहुंच सकते हैं? ये ही सब पहलू होते हैं जो एक वातावरण को सुगम्य बनाते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट को सुगम्य बनाते हैं. दूसरी चीज़ होती है कि आपने वातावरण प्रोवाइड कर दिया, लेकिन क्या आपने ऐसी सुविधा दी कि आपके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आपके स्कूल में एनरोल हो पाएँ? क्या आपने अपॉइंटमेंट्स विद स्पेशलिटी स्पेशली ट्रेन टीचर्स अवेलेबल किए हैं? क्या आपने कोर्स कंटेंट को इस प्रकार से बनाया है कि वो या डेवलप किया है कि उसकी पेडागॉजी इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ है? तो इन सब प्रोसेसेस को भी सुगम्य बनाना अनिवार्य है, जैसे कि एसोसिएटेड सर्विसेज को. एसोसिएटेड सर्विसेज में क्या होता है? एक तो है कि वो स्कूल आएंगे बच्चे तब वो पढ़ पाएंगे, पर वो स्कूल पहुँचेंगे कैसे? क्या आपकी बस में फोल्डेबल रैंप है? क्या वो चढ़ पाएंगे? अगर चढ़ पाएंगे तो क्या बस के अंदर उनको फिक्स करने के लिए अवेलेबिलिटी व्हीलचेयर को फिक्स करने के लिए उसके अंदर सुविधा दी गई है? या आपके अगर वो स्कूल आना चाहते हैं तो क्या आपने इन्फॉर्मेशन सुगम्य रूप में आपने अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड की है? क्या अगर कोई दृष्टिबाधित आपके स्कूल की वेबसाइट को एक्सेस करना चाहे, आपकी क्या एक वेबसाइट एक्सेसिबल है? और क्या उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट अपलोडेड हैं वो स्क्रीन रीडेबल हैं? क्या वो OCR फॉर्मेट में हैं? तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं. आप सोचिए कि आप वेबसाइट देख पाते हैं तो क्या एक दृष्टिबाधित वेबसाइट को अगर एक्सेस करना चाहे जिसके लिए प्रावधान और सुविधा है, फैसिलिटी है, क्या आपने वो सुविधा मुहैया कराई है? वो हैं कुछ चीज़ें जिन्हें हमें ध्यान में रखना है. इन्हीं चीज़ों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आइडिया कंसेप्चुलाइज किया था. उन्होंने कहा था कि जन भागीदारी के तौर पे हमें ये पता करना चाहिए कि देश भर में सुगमता किस तरह से बढ़ रही है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको हमें कैप्चर करने की ज़रूरत है. इसी के लिए 2 मार्च 2021 को हम भारत सरकार ने एक सुगम्य भारत ऐप, एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जो स्लाइड 9 पे है. और उस ऐप के तहत में कोई भी कहीं भी किसी भी समय कोई भी असुगम्य सुविधा या संस्था
उसकी फोटोग्राफ खींच के जियो टैग हो जाती है, उसको खींच के इस ऐप पे अपलोड कर सकता है। और ये ऐप अपने आप में भी फुल्ली एक्सेसिबल है, इसको दोनों किस्म के फ़ोन iOS एंड इसके अंदर में अपलोड किया जा सकता है, आप डाउनलोड किया जा सकता है और उसके अंदर से आप अपनी कंप्लेंट को और अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड करके हमारे मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को आप भेज सकते हैं। और हमने देश के कोने कोने में हर ज़िला, हर डिस्ट्रिक्ट, हर मंत्रालय और हर डिपार्टमेंट के साथ में एक नोडल ऑफिसर चिन्हित किया है जहां पर ये कंप्लेंट दर्ज की जाएगी और उसका निवारण किया जाएगा। इस सुगम्य भारत ऐप को आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जाके देखें और उसको डाउनलोड करें। जहां पे आपके आसपास कोई भी ऐसी असुगम्य सुविधा लगती है, जो हम अभी सीखेंगे कि क्या क्या उसके मानक होते हैं असुगम्य वातावरण के, तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ये जो ऐप है और ये जो सुविधाएं हैं किसी भी चीज़ को सुगम्य बनाने के लिए, ये मात्र दिव्यांगजनों के लिए नहीं है, ये आप के हर जीवन के हर स्तर के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप जब बच्चे थे तब आपको ज़रूरत होती है कि अगर आप कहीं चढ़ रहे हैं तो आप किसी को पकड़ के चढ़ें, या नॉन स्लिपरी हो तो आपके कोई आपके साथ बुज़ुर्ग हैं या कोई वृद्ध हैं या एल्डरली हैं, आपके बाबा या नाना हैं, तो अगर उनको चलना है तो उनको कहीं पकड़ के सहारा देना है, या अगर वो ऊंचा सुनते हैं तो आपके पास में असिस्टिव डिवाइस या कुछ ऐसी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको उससे अपनी जीवन की एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को राइटफुली यूज़ कर सकें, या आपके पास कोई पेरेंट्स हैं जिनके साथ छोटे बच्चे हैं उनको चलने के लिए, या प्रेग्नेंट वीमेन। तो कहने का मतलब कि आपके जीवन में किसी भी स्टेज पर कभी भी सुगम्यता की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और इसीलिए ये फुल्ली एक्सेसिबल ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया है। I would urge you all to please go and have a look and download this app, and आप please हमारी मदद करें और जन भागीदारी में जुड़ें ताकि आप भी इस रूप से भी सुगम्यता सेनानी बन सकते हैं जैसे कि प्रिया बनी और आप इस कॉमिक में देखेंगे। नेक्स्ट, इस विषय को बढ़ावा देने के लिए हम भारत सरकार एक फोटो डाइजेस्ट की सीरीज जिसका नाम एक्सेस है उसको बना रही है, जिसके अंदर पहली जो है वो हमने मार्च में लॉन्च की थी, और उसके अंदर में जो पब्लिक बिल्डिंग होती हैं उनके अंदर क्या मेन पहलू एक्सेसिबिलिटी के 10 मेन पहलू जो होने चाहिए उनको हमने चित्रों के द्वारा पूरे देश भर में, मैं आपको ये बताना चाहूँगी धर्मेंद्र कि पूरे देश भर में जितने भी राज्य हैं उन्होंने सभी ने एक संग्रह करके हमारे को अपनी फोटोग्राफ्स बेस्ट प्रैक्टिसेस का भेजा है कि कहाँ कहाँ सुगम्यता बढ़ती जा रही है और कैसे कैसे सुगम्यता बढ़ती जा रही है। और इसी तरह से हमारी अगली इस सीरीज़ में एयरपोर्ट्स के ऊपर में किताब आएगी, एंड हम एक फोटो डाइजेस्ट ऑफ सीरीज़ फॉर ऑल अक्रॉस इंडिया जो हम सुगम्यता ला रहे हैं उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि 10 मेन फीचर्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी होते हैं, ये जो डिटेल्स इसके अंदर दी गई हैं 10 मेन, ये इजी करने के लिए इनको 10 फीचर्स में बना दिया है कि बिल्डिंग के बाहर 3 फीचर्स और बिल्डिंग के अंदर 7 फीचर्स। इनको मैं फोटोग्राफिक रूप से आपको अगले स्लाइड्स में दिखाना चाहूँगी। नेक्स्ट, पहला फीचर एक्सेसिबल रूट। आप किसी भी बिल्डिंग को अगर एंटर करें तो आपके पास जो रूट है, आप प्लीज़ इन फोटो जो अगली 10 स्लाइड है इनमें आप देखेंगे एक साइड पे हरा बना हुआ है विच इज़ द राइट वे टू डू थिंग्स, एक साइड में लाल लिखा हुआ है विच इज़ द रॉन्ग वे टू डू इट। होता क्या है, हम सुगम्यता की तरफ बढ़ते तो हैं तो, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी क्या हम सही रूप में बढ़ रहे हैं, क्या जो हम इसके ऊपर रिसोर्सेज स्पेंड कर रहे हैं वो सही हैं। अगर आप देखेंगे कि आपकी एक्सेसिबल रूट है जहाँ से आप मेन बिल्डिंग को एंटर करते हैं तो आपके पास वो इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना वेल लिट होना चाहिए, इतना कलर कॉन्ट्रास्टेड में होना चाहिए। ये कलर कॉन्ट्रास्ट भी मैं एक बार ही समझा दूँ, क्योंकि अगर कई लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, आपने सीखा होगा स्कूल में, जो कलर ब्लाइंड होते हैं उनके लिए आप अगर एक ही कलर में बना देंगे तो दे कैन नॉट मेक आउट द डिफरेंस कि कहाँ पर चेंज आ रहा है रोड पर जब चल रहे हैं। तो कलर कॉन्ट्रास्टिंग ज़रूरी है और टैक्टाइल पाथ ज़रूरी है। टैक्टाइल पाथ क्या है, अगर आप ग्रीन जहाँ पे फोटो बनी है एक्सेसिबल रूट में उसमें येलो स्ट्रिप एक देखेंगे, और आपने कई बार देखी भी होगी रोड्स पे, उसके सहारे जो है वो एक दृष्टिबाधित द विजुअली इम्पेयर्ड कैन यूज़ देयर वाइट केन एंड इट कैन गाइड देम टू वर्क इन द डायरेक्शन। और जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस आ रही होती है, मैं एक अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगी, वहाँ पर वो जान जाते हैं कि नहीं, यहाँ मुझे थोड़ा ठहरना है, यहाँ से शायद कुछ चीज़ मुड़ रही है। अगला जो पाथ है, अगली जो कंपोनेंट है वो एक्सेसिबल पार्किंग है। राइट वे ऑफ पार्किंग क्या होनी चाहिए कि दो पार्किंग, अगर
ये पार्किंग जो है मेन बिल्डिंग के सबसे करीब होनी चाहिए। तो आप भी अग्री करेंगे कि अगर कोई दिव्यांग आते हैं और आप बहुत दूर की पार्किंग देंगे तो उनके उनके फायदेमंद उनके फायदे के लिए नहीं होगी। तो पार्किंग ऐसी होनी चाहिए कि बिल्डिंग के 30 मीटर के एंट्रेंस के 30 मीटर के करीब में हो, और उस पार्किंग जो आप आरक्षित पार्किंग करें उसके लिए ग्राउंड पे भी डायरेक्शन बनी हो, और दूर से एक हाई मास्ट होना चाहिए ताकि उनको ढूंढना नहीं पड़े कि कहाँ पे है रिजर्व पार्किंग। और अगर आप बीच में देखें जहाँ पे हरे वाले में एक हरा गोला बना हुआ है, तो वहाँ पर जो मार्किंग नीचे उसको कहते हैं ट्रांसफ़र बे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, ये ट्रांसफ़र बे क्यों ज़रूरी है एक एक्सेसिबल पार्किंग के साथ। आप सभी ये नोट करना कि अगर कोई दिव्यांग गाड़ी से उतर रहा है और अगली पार्किंग में आपने स्पेस नहीं दी तो अगली गाड़ी आके उससे टक्कर मार सकती है। इसीलिए जब भी आप दिव्यांग पार्किंग बनाएं उसके साथ आप उस ट्रांसफ़र बे का दें ताकि वो उतर के उस पर आराम से खड़ा हो सके, बेफिक्र होके कि कोई पीछे से उनको गाड़ी आके उनको कहीं धक्का ना लगा दे। और आप रेड साइड में देखें कि कहाँ पार्किंग बनाई है, कि आप जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं और वो साइन को देखेंगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि पार्किंग यहाँ पर है। तो और ये अमूमन आप पाएंगे कि कई जगह पे इस किस्म से पार्किंग बनाई होती है, और कोई रिजर्व का कोई मायने नहीं रह जाता क्योंकि ये एंट्रेंस से भी बहुत दूर है। नेक्स्ट अगर हम कंपोनेंट देखें, ये है एक्सेसिबल एंट्रेंस। तो ये मेरा तीसरा और आखिरी पॉइंट है जो हम बिल्डिंग के जब बाहर होते हैं। इस बिल्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास साइनेज होना चाहिए कि यहाँ से एक्सेसिबिलिटी एक एक्सेसिबल एंट्रेंस है। एक्सेसिबल क्या होता है, आप अगर एक व्हीलचेयर के ऊपर हैं और आपके पास वहाँ एक भी स्टेयर्स आपने दे दी तो वो इनएक्सेसिबल एंट्रेंस हो गया। आप मानेंगे इस बात को, क्योंकि जो व्हीलचेयर पे होंगे वो अपने आप से नहीं चढ़ पाएंगे, उनको किसी की मदद लेनी होगी। जहाँ आपने किसी की मदद ली आप अपने आप में सेल्फ आत्मनिर्भर और आप सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे। तो इसीलिए एक्सेसिबल एंट्रेंस वो होती है जो ब्रॉड इनफ होती है कि उसमें व्हीलचेयर चले जाए और वहाँ पे एक प्रॉपर रैंप हो, और उस रैंप जहाँ पे भी जिस एंट्रेंस में भी आपके पास रैंप है उसके पास एक साइनेज होनी चाहिए। और अगर आप रेड साइड में देखें कि वो ऐसा रैंप बना दिया है कि वो इतना इनएक्सेसिबल और इतना स्टीप है कि उसमें अपने आप चढ़ ही नहीं पाएगा दिव्यांग, क्या अगर हम भी उस पर चढ़ना चाहेंगे तो हम भी उस पर नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि वो राइट वे में नहीं बना है। 1/12 जो मैक्सिमम होना चाहिए उस रूप में नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट, अब हम अगर बिल्डिंग के अंदर जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी बिल्डिंग में आप जाएंगे कि एक एक्सेसिबल रिसेप्शन होनी चाहिए। आपने देखा होगा आपके स्कूल के काउंटर होते हैं, या आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं जहाँ से आप टिकट लेते हैं, या आप किसी एयरपोर्ट में जाते हैं, या आप किसी होटल में जाते हैं। तो एक्सेसिबल रिसेप्शन का मतलब क्या है, एक्सेसिबल रिसेप्शन मतलब कि आप अगर आप वहाँ पर खड़े होके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर कोई, यहाँ मैं एग्जांपल दूंगी, अगर कोई व्हीलचेयर पे है तो व्हीलचेयर वाले को भी उतनी ही सुविधा होनी चाहिए कि वो भी अपना प्रश्न रख पाए और अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए। फॉर इंस्टेंस, जब नॉर्मल आप जो फोटोग्राफ राइट साइड में बनी हुई है आप देखेंगे एक तरफ जहाँ पे दिव्यांगता का सिंबल लगा हुआ है, द साइनेज ऑफ डिसेबिलिटी इज देयर, वहाँ से एक जो है, ये कलकत्ता एयरपोर्ट की फोटोग्राफ है, वहाँ से जो है वो लेडी एक लोअर काउंटर है। दो चीज़ नोट करने वाली है, एक है ऊंचा काउंटर जहाँ आप खड़े होकर बात कर सकते हैं जो उनके साइड में है उस फोटोग्राफ के ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और जहाँ ये लेडी व्हीलचेयर पे है ये आप अपने लेवल से वो बात कर सकती हैं। एक तो ये एलिमेंट हुआ कि आप जब भी काउंटर बनाए बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ चाहिए, एक ऊंचा है एक को नीचा कर दे। दूसरी चीज़ जो उसके साथ चाहिए कि आप उनके पैर के लिए आगे आने के लिए आप उसको स्पेस दें बिलो द काउंटर। लेट डाउन डायमेंशन होते हैं, पर कॉन्सेप्ट समझने की बात है कि जब भी कोई आएगा और अगर आपकी आगे से बंद है टेबल तो वो आपके पास पास नहीं पहुंच पाएगा। आप खुद अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं अपना पासपोर्ट देते हैं तो आप बिल्कुल उनके पास जाके अपना देते हैं, पासपोर्ट शेयर करते हैं, या टिकट खरीदने के लिए बिल्कुल पास जाके आप पूछते हैं टिकट काउंटर पे। तो आप सोचें अगर कोई व्हीलचेयर पे होगा तो वो कैसे पूछेगा। तो उसी को ही ध्यान में रखते हुए एक एक्सेसिबल काउंटर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप पाएंगे कि रेड साइड वाली स्लाइड में नहीं है। चाहे वहाँ लिखा हुआ है, जो हमने गोला लगाया है लाल में उसमें लिखा हुआ है कि ये दिव्यांग के लिए काउंटर है, लेकिन आप देखें लेग की स्पेस ही नहीं है। और अगर कोई आपने नीचा बना भी दिया लेकिन लेग की स्पेस नहीं दी तो वो बहुत दूर रह जाएगा तो सुन नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ जो एक्सेसिबल रिसेप्शन में होती है वो होती है कि आपके पास वहाँ पे एक इंडक्शन लूप देना होता है। मैं कुछ ये थोड़ी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी दे रही हूँ लेकिन आप लोगों को, आप बच्चे हैं, आप हमारे देश का फ्यूचर हैं, आप इसको समझ पाएंगे कि एक्सेसिबल लूप क्या होता है, इंडक्शन लूप क्या होता है। आप कई सारे एयरपोर्ट्स में और कई सारे
होटल्स में पाएंगे, कहीं पे एक साइनेज बनी होती है कान का और उस पर ऐसे करके एक स्ट्राइक होता है कि दिस इज एन इंडक्शन लूप. इट मींस दैट इफ दैट एरिया हैज सम प्रोविजंस और इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस इंस्टॉल्ड सो दैट जिनको श्रवण बाधित हैं या दोज हु हैव सम हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जो ऊंचा सुनते हैं और उनको दिक्कत है सुनने में, वहां पर आवाज थोड़ा लाउड आती है. सो दैट इज कॉल्ड एन इंडक्शन लूप. तो कई जहां पर भी इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन हो वहां पर इंडक्शन लूप की रिक्वायरमेंट होती है. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको as young citizens of India and who will be the global citizens must understand as you move ahead. Next. जब हम बिल्डिंग के अंदर आ गए, अब हम रिसेप्शन से हमने इन्फॉर्मेशन ले ली, तो वो बोलते हैं कि आप उस कॉरिडोर में जाएं. उस कॉरिडोर में जाने के लिए कॉरिडोर किस प्रकार का होना चाहिए? तो वेल लिट होना चाहिए, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए. उसके अंदर जो प्रोविजन है, डोर जो है वो कॉरिडोर पे नहीं खुलना चाहिए. मान लो कोई दृष्टिबाधित या ब्लाइंड कॉरिडोर में चल रहे हैं और सडनली जो आपका डोर है उस साइड खुल गया, तो आप समझ सकते हैं कि उनको बाधा आएगी. या आपका जो टैक्टाइल पाथ है उसको बहुत केयरफुली आपको ले डाउन करना चाहिए कि आप कहीं उनको रॉन्ग इंडिकेशन तो नहीं दे रहे हैं कि कैसे मूव अहेड करना है. नेक्स्ट, बिल्डिंग के अंदर आने के बाद एक अहम चीज़, अगर आपको दूसरे डिफरेंट फ्लोर्स को एक्सेस करना है, इज एक्सेसिबल लिफ्ट्स और एक्सेसिबल एलिवेटर. एक्सेसिबल एलिवेटर क्या होता है? सबसे अहम चीज़ एक्सेसिबल एलिवेटर वो है जिसका डोर वाइड इनफ है कि उसके अंदर एक व्हीलचेयर जा पाए. 900 mm अगर उसकी विड्थ नहीं होगी तो आम व्हीलचेयर उसके अंदर जा नहीं पाएगा. यानी जो दिव्यांग है और जो पीड़ित है वो अंदर इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि आपका डोर ही वाइड इनफ नहीं है. अंदर जाने के बाद दूसरे उसके सुगम्य पहलू ये होते हैं कि उसके पास साइडों में उसको पकड़ने के लिए ग्रैब बार्स होनी चाहिए तीनों तरफ, कि आप पकड़ के अच्छे से उसको रह पाएं. पीछे एक मिरर होना चाहिए. वो मिरर इसलिए क्योंकि अगर कोई अपनी व्हीलचेयर में अंदर गया है तो वो जब भी जिस फ्लोर पर भी वो खुलती जा रही है वो उसको देख कर अपना अंदाज़ा लगा पाए, अगर वो टर्न होके नहीं सीधा खड़ा हो पाए, कि डोर खुल रहा है और बंद हो रहा है और उनको कहाँ पर अपनी व्हीलचेयर को एग्जिट करना है. चौथा, उसके अंदर में जो बटन्स हैं वो ब्रेल में भी होने चाहिए. ब्रेल क्या होता है? ब्रेल यानी जो लैंग्वेज जो दृष्टिबाधित लोग इस्तेमाल करते हैं और वो फील करके अपने आप इंडिपेंडेंटली प्रेस कर सकते हैं बटन. अनदर थिंग विच जो एक्सेसिबल एलिवेटर में होती है, आपने कई बार देखा होगा हर जगह वो आवाज़ आती है, यू हैव रीच द फोर्थ फ्लोर, यू हैव रीच द फिफ्थ फ्लोर, ताकि जो दृष्टिबाधित हैं और वो देख नहीं पाते हैं, दे कैन हियर इट एंड नो कि अब ये फ्लोर आ गया, उनको उतरना. इसी तरह के फीचर्स जो होते हैं वो एक्सेसिबल एलिवेटर में होते हैं. नेक्स्ट, अगर कहीं पर एलिवेटर नहीं है और आपको स्टेयर्स यूज़ करनी है तो उसको भी यूज़ करने के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना होता है. पहली चीज़ कि आपका जो स्टेयरकेस है वो राउंडेड, उसमें हैंड रेल्स हो, पकड़ के चलना बहुत अनिवार्य है हर एक की स्टेबिलिटी के लिए, चाहे वो एक वृद्ध हो, चाहे वो एक गर्भवती महिला हो या कोई दिव्यांगजन हो. उसको भी बनाने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि आपके पास डबल हैंडेड हाइट रेल होनी चाहिए. हर जना ऊपर वाली कोई पकड़ के नहीं चढ़ पाता. कई लोग होते हैं जो जैसे कि छोटे बच्चे या दोज हु हैव ड्वार्फिज्म और दोज हु हैव सम स्पाइनल इंजरी, जो नीचे वाला हैंडरेल पकड़ेंगे. तो डबल हैंडरेल होना चाहिए, राउंडेड होना चाहिए, बिकॉज राउंडेड हैंडरेल इज़ कन्वीनियंट टू होल्ड. और दूसरी चीज़, अगर आप हैंडरेल बनाएं, ये नहीं कि दीवार में चिपका दें, उसको 50 mm का उसमें गैप दें ताकि आप हाथ पकड़ पाएं. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. और दूसरी एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो भी आपकी जो स्टेयरकेसेस हैं उसमें ये येलो स्ट्रिप्स आपने देखी होंगी, अलग रंग की स्ट्रिप्स, वो इसीलिए होता है कि आपको समझ आ जाए या जिनके पास लो विजन है उनको दिख जाए कि ये एज है स्टेयरकेस का. अभी तो आप यंग बच्चे हैं आप, लेकिन आप देखेंगे अपने दादा दादी को स्ट्रगल करते हुए, अगर वो स्टेयरकेस में अगर लाइटिंग कम हो और वो ठीक से पैर उनका नहीं पड़े तो उससे एक चोट भी लग सकती है और डिफ़िकल्टी भी हो सकती है. तो इन्हीं को ही, ये छोटी छोटी पहलू को रखते हुए आप एक स्टेयरकेस को, जो नॉर्मल स्टेयरकेस है, उसको आप सुगम में बना सकते हैं और हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी वो है एक्सेसिबल वॉशरूम या एक्सेसिबल टॉयलेट्स. सुगम्य वॉशरूम ऐसी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है किसी भी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अकेले होंगे. अगर आप गिर भी गए तो किसी को मालूम नहीं चलेगा. इसीलिए जो एक सुगम्य वॉशरूम होता है, पहली चीज़, उस सुगम्य वॉशरूम में चौखट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जहाँ आपने चौखट बनाई वहाँ पर आपकी व्हीलचेयर अंदर नहीं जा पाएगी और उसी तरह से वो असुगम्य हो जाएगा. और दूसरा, अगर वो अंदर चले गए और बहुत ही स्लिपरी टाइल्स हैं तब भी आपको उसके अंदर में दिक्कत होगी, या उसके अंदर में वो गीला होगा और गिरने का डर रहेगा अगर आपकी बहुत स्लिपरी. सो एंटी स्किड टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक सुगम्य वॉशरूम के लिए. और दूसरा, ऐसा वॉशरूम होना चाहिए जिसके अंदर एडिक्वेट स्पेस हो व्हीलचेयर को अंदर जाके टर्न होने के लिए, कि वो हिल पाए, उतना बड़ा होना चाहिए वो एक्सेसिबल वॉशरूम.
नेक्स्ट चीज, उस वॉशरूम के अंदर बहुत सारे हैंड रेल्स होने चाहिए. पिछली स्लाइड में जैसे हम देख रहे थे जो ग्रीन थी, कि हैंड रेल्स इतने होने चाहिए कि आप उसको पकड़ के ठीक से बैठ पाएं, या अगर आपको, और दोनों तरफ में हो, क्योंकि अगर किसी का राइट हैंड काम कर रहा है, किसी का लेफ्ट हैंड काम कर रहा है, तो आपके पास उसके हैंड बार्स एंड ग्रैब बार्स भी दोनों तरफ और स्टर्डी होने चाहिए, जो कि 250 किलो वेट ले पाएं. ये नहीं कि लगाए और वो उसी के सहारे गिर जाएं. और एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूँगी कि जो आपका सुगम्य वॉशरूम है उसके अंदर एक से ज़्यादा अलार्म बटन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं पर गिर गए तो आपको नहीं पता वो आप किस पोजीशन में हो और आप कहाँ से आप उस अपने अलार्म बटन को रीच कर पाओगे. ये कुछ ऐसी अहम पहलू हैं जो आप ध्यान में रखें जब भी एक एक्सेसिबल वॉशरूम की बात हो. नेक्स्ट, इन्हीं का ही टोटली विपरीत वो चीज़ें होंगी जो एक इनएक्सेसिबल वॉशरूम बनाएगी, जहाँ पर आपकी चौखट है, या आपका एंटी स्किड है, या आपके हैंड रेल नहीं लगे हुए, या लगे हुए हैं तो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, या एक ही तरफ लगे हुए हैं दूसरी तरफ नहीं लगाए. या यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि आपके नलका है, आप जो टैप वाटर टैप है, अगर आप वो गोल वाला लगा देंगे, हर जने के उंगलियों में उतना जोर नहीं होता कि वो उसको हिला पाए. इनको एक सर्जिकल टैप बोलते हैं, आपने कई बारी देखे होंगे हॉस्पिटल्स में और बाकी पब्लिक यूजेस में, क्योंकि अब जगह पे बनने लग गए हैं जिनका एक लंबा सा हैंडल होता है, कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी अंग आपका काम नहीं कर रहा तो भी आप उसको किसी के भी सहारे उस टैप को आसानी से हिला पाएं. ये नहीं कि इतना टाइट हो कि आप उसको हिला ही नहीं पाएं. या आपके जो बंद करने का, क्योंकि बाथरूम में आप अकेले होंगे तो उसको बंद करने का जो आपका लैच है, अगर आपने सिर्फ ऊपर लगाया तो अगर कोई व्हीलचेयर में होगा तो वो तो उसको बंद कर ही नहीं पाएगा, तो आप बीच में उसको एक लैच देते. लेकिन ये सोचें अगर किसी के दोनों हाथ नहीं है, वो बाथरूम को कैसे बंद करेगा. सो आपको एक पैर के पास भी नीचे लैच देना होगा ताकि वो उसको यूज़ कर पाए उस बाथरूम को. नेक्स्ट, ये छोटी चीज़ें हैं बट बहुत अहम चीज़ें हैं. मैं आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं किस दिशा में बोल रही हूँ. एक छोटी सी बात है, एक चिटकनी की बात है, लेकिन चिटकनी ऊपर लगाई, बीच में लगाई और नीचे लगाई, उन सब से ही फ़र्क आ जाता है. जो ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट है, आप अमूमन आप जो है जब रेड साइड का दिखाऊंगी, कि रेड साइड में अगर इस किस्म का एक ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट है और अगर कोई व्हीलचेयर पे है तो वो उसे रीच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि नहीं तो उनकी नेक को बहुत स्ट्रेन करना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा. जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, अगर इस तरह से आपके दो लेवल वाले होंगे तो कोई भी हाइट का इंसान, कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा, उसको या बड़ा, उसको उस तरह से यूज़ करके और इजी वे में उसको प्रेस करके, जो आप एयरपोर्ट्स पे जैसे आपने देखा होगा, और अब बहुत जगह पे अभी इस किस्म के वाटर डिस्पेंसर्स लग रहे हैं, वो एक एक्सेसिबल ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट होता है. अगर कहीं पे आप पानी का भी ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट देंगे, जैसे हमने कॉमिक में दिखाया, आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, तो वो लोअर लेवल का अगर होगा तो उसको एक्सेस कर पाएगा, जिसके अंदर आपकी पैर जा पाएँ और आप उसको क्लोजर रीच कर पाएँ. लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका मैंने जिक्र भी पहले किया था, कि जो भी सुगम में बनाया जा रहा है वहाँ पर आपको बताना है कि उसकी साइनेज के थ्रू कि ये फैसिलिटी सुगम में है. अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप दिखाएं उसको डायरेक्शनल साइनेज देके कि आपको सुगम्यता अगर लेनी है तो उस तरफ जाएं, वहाँ पर आपका रैंप है, या वहाँ पे एक एक्सेसिबल ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट है, या वहाँ पर आपका एक एक्सेसिबल वॉशरूम है. और अगर आप सुगम्यता दे रहे हैं तो उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनके इंटरनेशनल साइनेजेस हैं जो दूर से नज़र आ जाने चाहिए, ताकि किसी को उस जगह तक पहुँचने के लिए, डायरेक्शनल एंड इंफॉर्मेशनल पहुँचने के लिए, दिक्कत ना महसूस करनी पड़े. बस इन्हीं 10 मेन फीचर्स को और इस सुगम्यता के फीचर्स को समझाने के लिए हमने सोचा कि इस वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को अगर हम बच्चों को शुरू से ही समझा दें. हमने उसी पहल को के रूप में ये ई कॉमिक और एक्टिविटी बुक बनाई है. ये शुरुआत में हिंदी और इंग्लिश में है. प्रिया द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर, दैट जिसके और जो हिंदी में है वो प्रिया सुगम्यता योद्धा. आई होप कि आप सब इस कॉमिक को इंजॉय करेंगे. और नेक्स्ट जो इसके अंदर हमने एक फैसिलिटी दी है वो एक है कि जो आपने सीखा, जिसको कहते हैं लर्निंग थ्रू फन एक्टिविटीज़, उसके अंदर हमने इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, जो मैंने आज आपको 10 मेन कॉन्सेप्ट बताए हैं, और वेब एक्सेसिबिलिटी एक नेक्स्ट है, उसी के ही हमने कुछ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दिया है एंड फुली एक्सेसिबल ई कॉमिक बनाई है, जिसके अंदर कुछ नई हमने चीज़ें ऐड की हैं जो ई कॉमिक को पूरी तरह से ई कॉमिक को भी पूरी तरह से सुगम में बनाती है. जो हमारी लास्ट स्लाइड में हमने बताया है कि आपको इसको एक्सेस करना है, तो एक तो है कि आप इसको पढ़ लें एंड एंजॉय कर लें एंड सीख लें विद लर्निंग विद फन थ्रू दी एक्सेसिबिलिटी, एंड दूसरा है कि इसके अंदर अगर कोई श्रवण बाधित हैं तो वो दे कैन
दे कैन ऑल्सो सी दी वंस हु आर विजुअली इम्पेयर्ड कैन सी हियर दी ऑडियो. पूरा ऑडियो डिस्क्रिप्शन है जो भी कॉमिक के अंदर है उसका पूरा ऑडियो डिस्क्रिप्शन है कि इस पेज पे तीन फोटोग्राफ्स हैं और हर फोटोग्राफ क्या दे रही है, सीन को डिस्क्राइब किया गया है. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू ऑल्सो प्लीज हियर दी ऑडियो डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो फॉर दोज हु आर हियरिंग इम्पेयर्ड देर इज ऑल्सो साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन थ्रू दैट साइन जो ब्लू में दिखाया गया है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कि आप उसको पूरी तरह से फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एंड दोज हु आर हियरिंग इम्पेयर्ड एंड फॉर टीचिंग अ सब्जेक्ट लाइक एक्सेसिबिलिटी एक बहुत ही सरल तरीके से एंड फन वे में, ये हमारी एक कोशिश है. आई होप ऑल द चिल्ड्रन यू इन्जॉय दिस बुक एंड बिकम आर एक्सेसिबिलिटी वॉरियर्स. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आर ब्रिगेड ऑफ लर्निंग अबाउट एक्सेसिबिलिटी एंड हैप्पी लर्निंग अबाउट एक्सेसिबिलिटी एंड बिकमिंग एक्सेसिबिलिटी वॉरियर्स. मैनी थैंक्स. क्या बात है. तो आप समझ गए कि सुगमता आखिर दिखने में कितना एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन अगर उसके अंदर आप जाने की जब कोशिश करेंगे तो कितनी चीज़ें पोशीदा होती हैं. आपने एक टर्म यूज़ किया था कि इस कॉमिक के अंदर भी हम गए थे, तो उसको भी सुगम बनाने के लिए बहुत कुछ किया गया. चलिए, तो इतने से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा. मैं आपकी तरफ दोबारा वापस लौटूंगा. अब एक प्रश्न और भी पोशीदा सा है जिसको हम खुलासा करने की कोशिश करेंगे. डॉक्टर भारती, एक अभी टर्म मैम ने भी बोला था, सुगम्य भारत और स्वच्छ भारत, उसकी तस्वीर को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और भी निखारें. और जैसे एक प्रिया जो एक्सेसिबिलिटी वॉरियर बनी है, ना केवल कॉमिक में हम उसको देखें बल्कि हिंदुस्तान में घर घर में पूरे समाज में, और मैं तो कहता हूँ कि इस देश की परिसीमा को लंघकर पूरे विश्व में अगर ये कॉमिक बुक से निकल कर एक पहचान बन जाए प्रिया वॉरियर की, तो वो कैसे बनेगी. तो प्रश्न यही है कि हम प्रिया तक किस तरीके से पहुँच सकते हैं सुगम्य भारत और स्वच्छ भारत की तस्वीर को देखते हुए. देखिए, प्रिया तक पहुँचना बहुत सरल है, और जैसे तारिका जी ने इतने अच्छे से बताया कि सुगम्यता क्या है और सुगम्यता के विभिन्न पहलू क्या हैं, न केवल बिल्डिंग के बाहर बल्कि बिल्डिंग के अंदर भी. तो जाहिर सी बात है हम उत्सुक हैं प्रिया तक पहुंचने के लिए. तो पहुंचेंगे कैसे प्रिया तक? प्रिया तक पहुंचने के बहुत सारे साधन हैं, पर मैं सिर्फ दो की बात करूँगी अभी. और इसके लिए भी एक छोटी सी PPT 3 या 4 स्लाइड्स की हमने बनाई है, वो एक बार प्लीज़ दिखा दें कि हम कैसे प्रिया तक पहुँचेंगे. हाँ, यहीं पीछे जाइए, प्रिया तक हम पहुँचेंगे. सो लेट्स सी, नेक्स्ट पर आइए. आपको करना क्या है, आप NCERT की वेबसाइट पर आइए. जब आप NCERT की वेबसाइट पर आते हैं, आप लिखते हैं www.ncert.nic.in. आप उस वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आपको ऐसा एक पेज दिखेगा जिसमें कोविड के बारे में भी बताया गया है. अगली स्लाइड पर आइए. उसी पेज पे अगर आप नीचे तक पहुंचेंगे स्क्रॉल डाउन करके, एकदम बॉटम में आपको दिख रहा होगा कि ई पाठशाला को ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, नीले रंग से. आप देख रहे हैं ई पाठशाला के ऊपर नीले रंग का एक चौकोर बनाया हुआ है. आपको यहाँ क्लिक करना है. जब आप ई पाठशाला पर क्लिक करते हैं, और इसके नीचे लिंक भी है एक, पर आप यहाँ इससे भी जा सकते हैं. जब आप ई पाठशाला को क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पहुँचते हैं. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, एजुकेटर्स भी हैं, और पेरेंट्स के लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं. ये जो चार गोले आपको चार अलग अलग रंग में दिखाई दे रहे हैं ना, हरा भी है इसमें और नीला भी है और येलो भी है और ब्राउन सा गोला भी है, इन सब में से किसी भी गोले पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि हर जगह हमने प्रिया को रखा हुआ है. आप हर जगह से प्रिया तक पहुँच सकते हैं. तो अगर आपने किसी को भी क्लिक किया तो अगली स्लाइड आपको बताएगी कि आप कहाँ पहुँचेंगे. ये देखिए, अगेन जहाँ पे प्रिया है, प्रिया का लोगो भी है वहाँ पर, जो आप देख पा रहे हैं कि प्रिया सुगम्यता योद्धा एक्सेसिबिलिटी वॉरियर. सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है. अगेन, आपको पहुँचने में सुविधा हो तो देखने में भी आप एकदम से पहचान पाए, इसीलिए इस PPT में इस डिब्बे को ब्लू कलर से हाईलाइट किया है जहां प्रिया है. जब आप वेबसाइट के पेज पे पहुंचेंगे तो वहां पर ये ब्लू हाईलाइटेड नहीं होगा. अब जब आप इसको क्लिक करते हैं यहां पर प्रिया को, तो आप पहुंचेंगे अगली स्लाइड में. हाँ, इसके अगले वाली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड करें. हाँ, आप यहां पहुंचेंगे प्रिया द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर. तो बहुत सरल है प्रिया तक पहुंचना,
और NCERT वेबसाइट पर भी, जहाँ हमारा मेन पेज है, होम पेज या लैंडिंग पेज आप कहते हैं, वहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट्स या न्यू इनिशिएटिव्स से भी आप प्रिया तक पहुँच सकते हैं। तो इतना सरल है प्रिया तक पहुँचना। और जैसा तारिका जी ने कहा था कि प्रिया हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अभी उपलब्ध है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप प्रिया को पढ़ सकते हैं। चलिए, आपने कुछ एक बातें बहुत अच्छी बताई हैं तारिका जी, जब अपनी बात को रख रही थी उन्होंने एक एक चीज़ को बड़ी सूक्ष्मता से निकाल कर हमारे सामने रखा। मान लीजिए एक तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया की, जहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं वहाँ पर उन चीज़ों को एकत्रित करके उसको मूर्त रूप देना बड़ा आसान है। अब वो करना तो हम चाह रहे हैं, स्टेट्स में एक नोडल अधिकारी है जो उन सूचनाओं को देख रहा है, उन शिकायतों को सुन रहा है, फिर आगे की तरफ मंत्रालय तक पहुंचा रहा है, तो हम उस पर कहीं ना कहीं जाकर एक्शन लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि रूरल एरियाज में जहां पर वास्तव में ज़रूरत है कि हम भी कहीं ना कहीं उस तस्वीर को सामने लेकर आएँ, यस हम भी उस भारत का पार्ट हैं और देश में हम भी चाहते हैं कि इस तरीके के काम हम भी करें, लेकिन जो संसाधनों की एक अवेलेबिलिटी है जो उन तक नहीं प्राप्त हो पाती है, ऐसी स्थिति में फिर वहाँ पर क्या करना चाहिए ताकि वो भी कहीं ना कहीं अपना नाम जद कर पाएँ कि यस अगर वहाँ पर भी प्रिया एक्सेसिबिलिटी वॉरियर है तो यहाँ से भी क्यों। अच्छा, प्रिया एक्सेसिबिलिटी वॉरियर एक, आप इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह लें, और मेरा तो ये मानना है प्रिया हर घर में होनी चाहिए, और प्रिया के साथ रोहन भी हो, प्रिया के साथ धर्मेंद्र भी हो, सभी घर में, हर घर में एक सुगम्यता योद्धा, एक सुगम्यता सेनानी होना है। और संसाधन की कमी अगर आपने सोच लिया है कि आपने अपने परिवेश को सुगम्य बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है, तो संसाधन की कमी आपके आड़े नहीं आएगी। क्यों? जैसे तारिका जी ने अभी उदाहरण दिया, एक चिटकनी की ही तो बात है, आपने ऊपर लगाई, बीच में लगाई और नीचे लगा दी, ठीक है। व्हीलचेयर की एक्सेसिबिलिटी है जहाँ पर, वहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एक रैंप ही तो बनाना है। जहाँ आपने स्टेयरकेस बनाने का मटेरियल जुटा लिया, वहीं पर उसके साथ में एक रैंप बनाना है, और रैंप का ग्रेडियंट ऐसा रखना है जो मानक के अनुसार हो, ताकि व्हीलचेयर लुढ़क करके पीछे नहीं आए। और रैंप के साथ साथ आप ग्रैब बार्स दे दीजिए। और मैं तो कहती हूँ स्टेयर्स की ज़रूरत क्या है अगर आपने रैंप बना दी है। एक उदाहरण तो मुझे ऐसा भी याद आता है, एक रेलवे स्टेशन पर एक जगह एक तरफ रैंप बना था और उसके दूसरी तरफ स्टेयर्स बनी थी, और मैक्सिमम लोग रैंप का इस्तेमाल कर रहे थे, स्टेयर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि रैंप पे चढ़ना और उतरना आसान है हर किसी के लिए, चाहे फिर दिव्यांगता हो, अक्षमता हो या ना हो। आप रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो आपके पास ट्रॉली बैग्स होते हैं या भारी भारी बैग्स होते हैं, तो रैंप से उनको लेकर के जाना बहुत आसान होता है। तो संसाधन की कमी मुझे लगता है आड़े नहीं आएगी, लेकिन शुरुआत आपको और मुझे अपने ही घर से करनी है। आई थिंक जो जवाब आपने भी अंतिम लाइन जो बोली है कि शुरुआत खुद से कहीं ना कहीं करनी है, तो अगर बगैर की स्थिति नहीं रह जाती, फ़र्क सिर्फ सोच का है, वो अप्रोच क्या है, कहीं ना कहीं आप उसको अमल में लाने की कोशिश करें तो फिर सीढ़ियाँ जो लंबी बनानी है तो क्यों ना फिर एक रोड मैप बना दिया जाए। वहाँ पर आप देखें कि मसलन अभी जो तारिका जी ने बताया कितना खूबसूरत वो चित्रण था, फूल होने चाहिए, एक वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, पीछे गाड़ियाँ नहीं हो जा रही हैं, पार्किंग, वाशरूम्स, पिलर्स, एवरीथिंग, जो भी सटलिटीज़ थी, बारीकियाँ थी, उनको अगर आप ध्यान में रखें कि वास्तव में सुगमता क्या है। आपने बताई थी कि टेबल अगर है, कोई दिव्यांग व्यक्ति वहाँ पर जा रहा है तो उसकी दूरी कितनी है, वो अपने हाथ कैसे रखे, अपना पैर कैसे रखे, कैसे उन बातों को वहाँ तक पहुँचाए, आई थिंक दिस इज कॉल्ड सुगम्यता। आप उनको वो चीज़ महसूस ही नहीं होने दीजिए कि उनके अंदर कहीं ना कहीं वो कमी है, वो कमी इस तरीके से पूरी हो सकती है, तो कौन उसको कहीं ना कहीं वो याद दिलाएगा, हम दिलाएंगे, आप दिलाएंगे, सोचने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और इस बात को भी जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमने ई बुक का ऐप भी देख लिया, वहाँ पर भी सूचनाएँ उपलब्ध हैं, और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो हमें निश्चित रूप से अभी भी करने की ज़रूरत है। तो सामान्य सी एक बात है कि और किन अच्छे तरीकों से इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, या फिर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, यद्यपि आपने काफ़ी अच्छी एक सूची हमें बताई, उनके अलावा वो भी आगे आएँ और उसको आगे बढ़ाने में मदद करें। थैंक यू धर्मेंद्र, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें सुचारू रूप से पूरे भारत को सुगम्य बनाना है, यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाना है, तो हमें कहीं ना कहीं सबको हाथ जोड़ना होगा, और हर घर में, जैसे इन्होंने कहा, एक प्रिया क्यों, मुझे तो लगता है कि सभी को ही एक प्रिया बनना पड़ेगा और इसको सुगम्यता के लिए अपना योगदान देना होगा। इसी सोच से भारत सरकार हर पहलू में, हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट अपने मानक बना रही है, ताकि चाहे आप एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाएं, चाहे आप किसी होटल में जाएं,
चाहे आप किसी सिनेमा हॉल में जाएं या आप स्पोर्ट्स स्टेडियम में जाएं, सिर्फ स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज पैरालंपिक्स इनफैक्ट शुरू हो रहा है, 24 अगस्त है, आज पैरालंपिक्स शुरू हो रहा है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं उन्होंने हमें कितने गोल्ड मेडल और हमें सिल्वर मेडल उन्होंने दिलाए हैं, और अभी भी देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहेगा इस ओलंपिक टोक्यो पैरालंपिक्स में। और बात सिर्फ उसकी नहीं है कि आपके स्टेडिया एक्सेसिबल होने चाहिए, बात उसकी भी है कि आपके जो स्टेडिया में बैठ के देखने की जगह है, जो आपकी सीटें हैं, वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। अगर आपका स्टेज एक्सेसिबल होना चाहिए ऑडिटोरियम में, तो आप जहाँ बैठ के उन सबको मज़ा ले रहे हैं वो सब भी एक्सेसिबल होना चाहिए। तो जैसा धर्मेंद्र जी ने कहा, बात सिर्फ सोच की है, सोच बदलेगी तो भारत बदलेगा। एक छोटी सी छोटी चीज़ आप करेंगे तो सुगम्यता होगी, कोई रिसोर्स की कंस्ट्रेंट नहीं है, सिर्फ सोच बदलने की बात है। और हम भारत सरकार द्वारा हर मंत्रालय में इस तरह के एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस ला रहे हैं, ताकि आप सून देखना शुरू करेंगे कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। मैं यहाँ एक छोटा एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे आपने सिविल एविएशन, अगर आप कभी एयरपोर्ट में गए, अभी तो खैर कोविड है, अगर आप अगली बारी जब ट्रैवल करेंगे आप देखें, या आप रेलवे स्टेशन में देखिएगा कि जहाँ पर मान लो लगेज आपका आता है, ठीक है, वो जो बेल्ट होती है कन्वेयर बेल्ट, उसके पास में एक सुगम एक साइनेज बना हुआ है, जहाँ पे व्हीलचेयर का जो एक्सेसिबिलिटी साइनेज है इंटरनेशनल, वो बना हुआ है। तो उसका क्या कि किसी ने सोचा कि अगर एक दिव्यांग व्यक्ति आए, जैसे हम लोग सब खड़े हो जाते हैं कन्वेयर बेल्ट के पास, तो उनके लिए भी जगह बनाने की ज़रूरत है कि आप उतनी जगह खाली रखें। इसी तरह से हर क्षेत्र में हमारी जो बसें हैं, कितने लाख बसें ऑलरेडी एक्सेसिबल हो चुकी हैं, रिसोर्स की बात है, इसलिए जब पुरानी बसें हटेंगी और उनके अंदर जो एक फोल्डेबल रैंप दिया गया है, लेकिन जब पुरानी बसें बदलेंगी, जितनी न्यू बसें आ रही हैं उसको एक्ट में लिख दिया गया है, उनकी गाइडलाइन में लिख दिया गया है कि कोई नई बस ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर वाइड डोर नहीं होगा और फोल्डेबल रैंप नहीं होगा जिससे कि एक व्हीलचेयर जा सके। तो ऐसी सुविधा बनाई जा रही है कि कोई नई बिल्डिंग अगर भारत में बनेगी, जो भी बायलॉज स्टैंडर्ड बायलॉज के हिसाब से बनेगी, वो हार्मोनाइज गाइडलाइंस के हिसाब से बनेगी कि पूरी तरह से वो पब्लिक बिल्डिंग सुगम्य होगी। जो बाकी बिल्डिंगें हैं उनको भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स सारे मिल के अपने भवनों को एक्सेसिबल बना रहे हैं। और 1500 मुझे खुशी आपको बताते हुए कि 1500 गवर्नमेंट के जो भवन हैं और सरकारी भवन हैं ऑलरेडी पूरी रूप से सुगम्य बना दिए गए हैं। तो मुहिम जारी है, शुरुआत हो चुकी है, आप सबका साथ चाहिए कि हम अपनी यंगर जनरेशन जो है वो चेंज मांगे। और मेरा ये मानना है जैसे आजकल जो यंगर जनरेशन है वो ही चेंज को आगे लाती है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचें तो कितने सारे बच्चे, आई नो माय ओन चिल्ड्रन आल्सो, जो बोलते हैं कि हम दिवाली में पटाखे नहीं बजाएंगे क्योंकि एनवायरनमेंट प्रदूषित होता है। तो अगर बच्चों की सोच बदलेगी, हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स में मेंटालिटी चेंज होगी, तो डिमांड बढ़ेगी कि वो इंसिस्ट करेंगे कि छोटी सी चीज़ है, जहाँ सीढ़ी वहाँ रैंप, जहाँ रैंप वहाँ हैंड रेल, क्योंकि कोई फिसल के गिर ना पाए, जैसे डॉक्टर भारती ने बहुत अच्छे तरह से बताया। सो सोच की बात है। निश्चित रूप से सोच की तो बात ही, अगर आप उसको अप्रोच में लाते हैं, अमल में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने चलिए सोचा, हमने एक नीति बनाई, उसको क्रियान्वित हमने कितने अच्छे तरीके से किया, तो वो एक बात है ना कि अगर आप उस पर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली वो अभी फल तो खैर आपको नहीं दे रहा, लेकिन जाकर वो आपको ज़रूर फलित करेगा, इस बात की तो खैर गारंटी है। तो वो एक बात यही है ना कि कर्म करो तो फल मिलता है, आप भी एग्री करेंगे डॉक्टर भारती, आप भी सुने कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा कुआं देखो उतना मीठा जल मिलता है, और जीवन के इस कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। बिल्कुल सही। और धर्मेंद्र जी, कुआं भी एक्सेसिबल होगा आपका। आई थिंक उस पर हम बात कर रहे हैं, चलिए फीचर्स पर आते हैं, अभी भी हमारे पास 15 मिनट का समय बाकी है, काफ़ी सारी बातें इस पर हुई, आई थिंक आपने उसको बहुत ही बारीकी से समझा होगा। कैसे पता चलेगा, मैं दोनों को कोट करूंगा, सबसे पहले तो डॉक्टर भारती मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो काम हम कर रहे हैं, जो फीचर्स हमने किए हैं, हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो सही है, हमारे हिसाब से वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतिगत तौर पर अगर वो जाकर के क्रियान्वित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमोबेश कमी रह जाती है। हाउ वी विल केम टू नो आउट दिस, जो हमने किया वो सही है या गलत है? देखिए, हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में अक्सर एक तलिस्मा दिया होता है गांधी जी का, कि अगर आपके काम से उस अंतिम व्यक्ति को फायदा हो रहा है तो आप सही हैं। क्योंकि कई बार हम अटकते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जैसे आप भी पूछ रहे हैं, तो मेरा जवाब ये होगा कि जो मैंने पहल की, क्या उस पहल से मैं अपनी कक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों तक पहुंच पा रही हूँ? एम आई रीचिंग द लास्ट चाइल्ड हु इज सिटिंग इन माई क्लासरूम? आप मेरी कक्षा में, मेरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जिसको सुनाई नहीं देता,
ठीक है, जिसको दिखाई नहीं देता वो तो हमें बहुत आसानी से समझ में आता है कि उसको ब्रेल में किताबें हमने दे दी। अब जिसको सुनाई नहीं देता, एक्सेसिबिलिटी का एक डायमेंशन एजुकेशन से रिलेटेड भी है, जहां हम टेक्स्ट बुक्स को साइन लैंग्वेज में देने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स के लेसन साइन लैंग्वेज में दीक्षा पोर्टल पर भी अवेलेबल हैं। क्लास 1-5 से हमने अभी शुरू किया है। अब आप कहेंगे कि जो सुन नहीं सकता वो पढ़ तो सकता है, बिल्कुल सही बात है, पढ़ सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, काउंटर क्वेश्चन पूछूं, धर्मेंद्र आपको अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है और आपके पास दो ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश का, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? आपका अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो जिसमें मेरी क्षमता अधिक है मैं हिंदी को चूज करूंगा, ठीक है, मुझे बेहतर जानकारी। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी जब न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ तो मेरी प्रेफरेंस हिंदी को लेकर के होती है। क्यों? क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज ऑफ कम्फर्ट है, वो मेरा प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो उसी तरह से अगर हम एक्सेसिबल इंडिया की बात कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी इन एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी सोच बदलनी है, जैसे पहले भी कहा, आउट ऑफ बॉक्स सोचना है और प्लान इस तरह से करना है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक्स बने, अभी नई शिक्षा नीति 2020 के बाद हम टेक्स्ट बुक्स भी बनाएंगे, करिकुलम फ्रेमवर्क ऑलरेडी बनने की प्रक्रिया में है, करिकुलम फ्रेमवर्क के बाद टेक्स्ट बुक्स पर आएंगे, तो हम ऐसी टेक्स्ट बुक्स की प्लानिंग करेंगे जो एक्सेसिबल हों, जिनको हम साइन लैंग्वेज में भी सरलता से कन्वर्ट कर पाए, और ब्रेल में भी हो और ऑडियो फॉर्मेट में भी हो। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी पर इसमें संसाधनों की कमी कहीं नहीं आएगी। तो चलिए, यहाँ पर तो हम बिल्कुल भी इसकी बात ही नहीं करेंगे कि यहाँ पर संसाधनों की कमी की वजह से हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कर पाए। एक एक चीज़ जो यहाँ पर कही गई है उसको सूक्ष्मता से सोचने की आवश्यकता है और 10 कदम आगे बढ़कर करने की ज़रूरत है। मिस रॉय, इसमें आपको जोड़ना चाहेंगी? मैं दो बातें इसमें कहना चाहूँगी। एक ये कि जो आपने बिल्कुल सही बोला कि एक है कि हमें सुगमता पहुँचानी है, लेकिन सुगमता हमें किसी मानक के रूप में पहुँचानी है, लेट डाउन गाइडलाइंस है कि कैस क्या चीज़ सही रूप में है, करो तो सही करो, है ना। तो अगर वो करना है तो एक हार्मोनाइज गाइडलाइंस, एक स्टैंडर्ड्स हैं जो मेरी PPT में भी मैंने उनका ब्रॉडली उनका जिक्र किया है कि क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी लाने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आप सभी बच्चों को और सभी जो हमारे श्रोता हैं आज उनको मैं बताना चाहूँगी कि उसका एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सेस ऑडिट। एक्सेस ऑडिट मीन्स कि आप अपना देखें जो आपकी फैसिलिटी है क्या वो एक्सेसिबल है, और अगर नहीं है तो कहाँ कहाँ पर गैप्स हैं, उन्हीं गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सेस ऑडिट किया जाता है। और अगर आप सभी बच्चे खुद जान जाएं और आप खुद ही एक्सेसिबिलिटी वॉरियर और सुगमता योद्धा बन जाएं तो आप सब भी वो एक्सेस ऑडिट कर सकते हैं। आप स्कूल में एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं और उसको एक्सेसिबिलिटी ऑडिट आपके टीचर्स की हेल्प के साथ में कंडक्ट कर आ सकते हैं। ये तो सोच की बात है, अवेलेबिलिटी बहुत है। अगर धर्मेंद्र आप मुझे बताएं, मैं सिर्फ 2 मिनट किताब के बारे में, इस कॉमिक के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि ये प्रिया है क्या। प्रिया एक छोटी बच्ची है जो 3rd क्लास की छात्रा हैं और उनका समर वेकेशन के अंदर में चोट लगने से उनका टांग फ्रैक्चर हो गई है। तो जब स्कूल खुल रहा है जिस दिन, वो पहले दिन थोड़ी सी अचंभित हैं कि मैं कैसे स्कूल में जाऊंगी और उनको दिक्कत आएगी, तो उनकी मदर उनको बताती हैं कि नहीं, आपके स्कूल ने स्कूल वेकेशंस के टाइम में सुगम्यता के फीचर्स अपने स्कूल में डाले हैं, आप को कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका फ्रेंड रोहन उनको आता है बस स्टॉप में ले जाने के लिए और वहाँ वो बहुत खुश होते हैं देख के कि उनकी एक फ्रेंड जो नीति है व्हीलचेयर पे है। तो वो बोलते हैं, अरे तुम तो अपने आप आती थी, आज यहाँ कैसे? तो वो बोली कि आज मैं इसलिए क्योंकि तुम्हें पता नहीं है हमारी जो स्कूल बस है वो पूरे रूप से सुगम्य हो गई है, उसके अंदर एक फोल्डेबल रैंप है और मेरा व्हीलचेयर आराम से उसमें जाएगा और मैं मस्ती करते हुए तुम्हारे साथ जा पाऊंगी। तो उस बच्चे की लाइफ सुगम्य बन गई और इंजॉयबल बन गई। जब वो स्कूल पहुँचते, वहाँ पर देखते हैं कि असेंबली हॉल के अंदर स्टेज के पास में एक रैंप बना हुआ है, तो उनकी प्रिंसिपल बताती है फर्स्ट उसमें कि हमने जो है, आपने देखा होगा बहुत सारे फीचर्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी स्कूल में डाले हैं, जैसे कि ये रैंप और उसके बाद में क्लासरूम में जाने के लिए लिफ्ट, और वो लिफ्ट एक्सेसिबल है जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया। और वो जैसे ही क्लासरूम में पहुँचते हैं, क्योंकि प्रिया की पैर में चोट है तो वो लिफ्ट से वो यूज़ करती है, उनकी जो दीदी है मालती दीदी स्कूल की टीचर जो दीदी होती हैं स्कूल में, वो उनको बोलती हैं कि आओ प्रिया आपको लिफ्ट से ले जाते हैं। वहाँ पर वो अपनी क्लासरूम में पहुँचती तो उसको मिलती है माया। माया उनकी एक दृष्टिबाधित फ्रेंड है हु इज़ गॉट विजुअल इम्पेयरमेंट एंड इज़ ब्लाइंड, जो उसकी
प्रिया की बेस्ट फ्रेंड है, तो नॉर्मली प्रिया उसको अपने साथ लेके आती थी, लेकिन अब वो उसको वहाँ देख के बहुत अचंभित हो जाती है कि प्रिया अपने आप कैसे क्लासरूम में पहुँच गई। तो प्रिया, तो माया उसे बताती है कि आपको मालूम नहीं है कि स्कूल में एक नया फैसिलिटी बनाया है ऑफ एक्सेसिबल पार्किंग जो सबसे क्लोज है, तो मुझे वहाँ पर पहुँच के एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। स्कूल के सारे कॉरिडोर एक्सेसिबल थे, उनके अंदर में ये लाइनें लगी हुई थी टैक्टाइल पाथ जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पर पहुँच गई, और साइनेजेस ब्रेल में भी थी, तो मैं उनको फील करते हुए अब अपनी क्लासरूम तक आराम से मैं आ गई। तो कहीं ना कहीं प्रिया खुश तो बहुत होती है कि उनकी फ्रेंड के लिए फैसिलिटी स्कूल ने सुगम्यता की दे दी है, लेकिन उनको एक भय भी होता है कि क्या मेरी दोस्ती कम तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो मैं इनके साथ में इनकी हेल्प उतने समय नहीं बिता पाऊँगी। तो उनकी टीचर उन्हें बताती है जब वो क्लास में जाते हैं, वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी की क्लास होती है, और वो माया जो है दृष्टि बाधित उन्हीं को बोलती है कि आप ही बताएं कि ये एक्सेसिबल डिवाइसेस हैं, क्योंकि हर चीज़ आजकल ऑनलाइन एजुकेशन से हो रही है, एक्सेसिबल वेबसाइट से हो रही है। तो बताते हैं कि कुछ असिस्टेड डिवाइसेस हैं, कि ये एक कीबोर्ड है जिसके अंदर ब्रेल है, तो ब्रेल से जो माया है वो भी उसी तरह से इस्तेमाल कर सकती है कीबोर्ड जैसे कि आप लोग यूज़ कर पाते हैं। दूसरी चीज़, आपका माउस जो होता है और एक जॉयस्टिक माउस या वर्टिकल माउस जो होता है उसको यूज़ करके विद स्पीकर्स, ताकि वो सुन पाए जो भी टेक्स्ट टू स्पीच जो लिखा हुआ है वो उनको सुनाई दे, वो उसको सुन पाए, ये एक्सेस असिस्टिव डिवाइसेस की माया को टीचर बोलती है, माया तुम ही टाइप करके दिखाओ। तो माया टाइप करके देती है, सारे बच्चे बहुत अचंभित होते हैं कि वाह ये तो अपने आप कंफर्टेबली यूज़ कर पा रही हैं ये सब चीज़ें जैसे आप और मैं, और विच इज़ देयर राइट एंड विच they have to be independent like they we all are, and that is the motto of having inclusive education and having accessibility। तो जैसे ही वो क्लास में करते हैं तो जो टीचर हैं वो उनको बताती हैं कि अब एक वीडियो दिखाती हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं, वो वीडियो एक कार्टून का होता है उनके फेवरेट कार्टून का, लेकिन टीचर बोलती है मैं तुम्हें इसलिए दिखा रही हूँ कि इसके नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है, आपने भी देखा होगा मूवीज़ में जो नीचे लिखा हुआ आता है, तो उसका मतलब होता है क्लोज कैप्शनिंग, मतलब जो देख ना पाए और जो सुन ना पाए वो पढ़ ले उसके अंदर में, जो सुन ना पाए वो पढ़ ले उस क्लोज कैप्शनिंग में कि क्या नीचे टिकर मूव कर रहा है, कि क्या बात हो रही है उसके अंदर। तो वो उसको टीचर उनके बारे में बताती है, और प्रिया को और माया और सारे बच्चों को बोलती हैं कि हमें जो है सुगम्यता सेनानी बनना चाहिए, क्योंकि हमें सुगम्यता हर क्षेत्र में लानी है, और सुगम्य भारत अभियान जिसके तहत में अगर सुगम्यता हर जगह हो तो कितना अच्छा होगा, कि दादाजी के लिए लिफ्ट, दादी माँ के लिए सुनने का यंत्र, ऊपर नीचे चढ़ने के लिए स्टेयर केसेस जो और रैम्प्स एक्सेसिबल हो, और कितना अच्छा होगा अगर हमारे सारे मार्केट प्लेसेस, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, रोड्स, रोड बस स्टैंड जहाँ पे आप रुकते हैं बस पे चढ़ने के लिए, अगर सभी जगह एक्सेसिबल हो जाएं। तो टीचर सबसे पूछती हैं क्या आप सब योद्धा बनना चाहेंगे, नेचुरली लाइक आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड वॉन्ट टू डू दैट, सुगम्यता से योद्धा बनना तो हर एक की इच्छा होनी चाहिए और डिमांड होनी चाहिए। बस यही है सुगम्य प्रिया की कहानी और उसके ऊपर बेस्ड आधारित एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी। तारिका मैम ने इतने अच्छे से बताया सुगम्यता और प्रिया के बारे में, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सबको अर्ज करना चाहूंगी कि एक बार जरूर प्रिया सुगम्यता योद्धा आप पढ़ें और एक्टिविटीज को जरूर करके देखें, आपको मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसका नाम ही है द ई कॉमिक बुक एंड कम एक्टिविटीज़, करके ज़रूर देखेंगे। मैं तो सबसे पहले पढ़ने वाला हूँ, एक बुक आपने रिजर्व करके ज़रूर रखी होगी। समय हमारे पास बहुत कम है, उद्देश्य को समझ लेते हैं। स्वच्छ भारत का उद्देश्य हमने समझा, और भी कई ऐसी जो मुहिम थी उनके उद्देश्यों को हमने समझा। सुगम्य भारत अभियान का क्या उद्देश्य है, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूँगा, उसके बाद फिर हम। सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य यही है सबकी पहुँच सारे संसाधनों तक बने, और सभी लोग पूरी आत्मनिर्भरता से जितना संभव हो सके अपना कार्य खुद कर पाएं और किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इसके ऊपर मैं सिर्फ बोल सकती हूँ तथास्तु, बिल्कुल इन्होंने जो बोल दिया वही है जैसे मैंने दिखाया था कि सुगम्यता को तीन पहलुओं में, बिल्डिंगों, ट्रांसपोर्टेशन, ICT, ताकि पूरा वातावरण, पूरा इकोसिस्टम सुगम्य बन जाए एंड वी मूव टुवर्ड्स यूनिवर्सली एक्सेसिबल इंडिया, ताकि हम अपना छाप विश्व में रख पाएँ कि हमारा देश भी पूरे रूप से सुगम्य है। आई थिंक ये लास्ट वाली जो लाइन थी ना बड़ी गौरवान्वित करने वाली थी कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं वो छाप छोड़ पाएं कि यस भारत ने या हिंदुस्तान ऐसे मुल्क ने ऐसा कोई काम किया कि आपको ना चाहते हुए आप उसको बार बार जरूर बोलें कि यस इंडिया इज द बेस्ट। तो ये इनक्रेडिबल सेशन इसीलिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा कर देता हूँ मिस तारिका रॉय, आपने अपना अमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा आभार।
डॉक्टर भारती कौशिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार, और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर पायल सैनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ग्रेट जो जनरेट अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं, अभी हम प्रिया वॉरियर को लेकर आए थे और भी ऐसे कई हम हीरोज लेकर आएंगे जिनसे हम जान पाएंगे कि सुगमता आखिर किस तरीके से और भी आगे परिचालित होनी चाहिए। इस छोटी सी एक कॉमिक बुक से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक अपना खास ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लगातार सीखते रहें। फिलहाल हमें दे इजाज़त, नमस्कार।